महानगर में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है। महानगर में सैकड़ों पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पंडालों की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए पंडालों को अलग अलग थीम दिया गया है तथा रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जहां श्रद्धालु पंडालों पर पहुंचकर मां के दर्शन करने के साथ साथ उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतिमा स्थापित करने वाले संचालकों ने कहा, लंबे लंबे आदमी साइड हट जाओ। जगदंडी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और मनुष्य की जिंदगी से इसका मनोरंजन है कि पंडाल के सामने जो रोड पर गाड़ी खड़े रही है वो गाड़ी रोड पर खड़ा करे, अंदर जो जगह है वहाँ पे खड़ा करवाए। प्रकाश गुप्ता, जो हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मुंह तोड़ जब हम लोग इस दशहरा हमारे वीर जवानों के नाम है, इसलिए देशभक्ति का कुछ नया हम लोग अपने आपस में समिति के अध्यक्ष सतीश यादव जी, कार्यकर्ता कुलदीप गुप्ता, सतीश जायसवाल, जयप्रकाश गुप्ता, हम लोग ने विचार किया गया ये दशहरा की पंडालों के नाम किया जाएगा शहीदों के लिए, देशभक्ति के लिए भी है। अमन सिंह, ये प्रतिमा स्थापित 1975 से किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ के सारे मोहल्ले वासियाँ सब मिलजुल के यहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित करवाते हैं और मन से इसकी पूजा की जाती है और मोहल्ले वालों को इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब नवरात्र का त्यौहार आता है कि इन पूरे मोहल्ले वासी नगर वासी सब आते हैं यहाँ पे, माता जी की प्रतिमाएँ देख कर जाते हैं और अच्छी प्रतिमाएं हैं। हम लोग को भी बहुत अच्छा आनंद मिलता है यहाँ पे सेवा करने में। 9 दिन ऐसा कटता है कि कैसा हम लोग का लग रहा है, कितनी खुशी और माहौल का दिन रहता है कि दिल एकदम झूम उठता है।